वो डरेगा जो पापी होगा, जो पाप कर्म करेगा उसको मरने से सदा डर लगेगा, क्योंकि उसने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया है। जो अपने जीवन में अच्छा करेगा उसे कभी डर ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कुर्ता है, अच्छा है, वाइट है, कल फटे तो आज फट जाए। क्यों? इस कुर्ते की कीमत का रुपया मेरे पास है। बात समझिए, कुर्ता है, कल फटे आज फट जाए, नो टेंशन, क्योंकि इसके कुर्ते की जो कीमत है उस कीमत से भी ज्यादा रुपया मेरे पास है, जाऊंगा और ले आऊंगा। मनुष्य जन्म पुण्य से मिलता है, वो दिमाग में रहना चाहिए। अगर मनुष्य का शरीर आज मैं ब्राह्मण के घर में जन्माऊं तो कल साधु योगी तपस्वी के घर में जन्मूंगा, अगर आज एक कमरा वाले घर में जन्माऊं तो अगली बार अटारी वाले घर में जन्मूंगा, अगर अभी अटारी वाले में हूं तो अगली बार बंगले में जन्मूंगा। बस व्यक्ति के दिमाग में रहना चाहिए कि मेरे पास पुण्यों का बैलेंस है। तो व्यक्ति को अपने पुण्य बढ़ाने चाहिए। जो व्यक्ति अपने पुण्य बढ़ाएगा उसको मरने से डर नहीं लगेगा, उसको ऐसे ही लगेगा कोई बात नहीं, चेंज कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, ऐसी आत्मा इस शरीर रूपी कपड़े को चेंज करेगा और इससे बेहतर हम जाकर के ले आएंगे, मांग लेंगे। क्यों? हमारे पास उसके लिए बैलेंस है, पूंजी है। पुण्य की पूंजी जिसके पास होगी उसे मरने से डर नहीं लगेगा। तो पुण्य की पूंजी बढ़ाएं, मरने से डर कभी नहीं लगेगा। तो कह रहे हैं कि भयभीत भय से मुक्त हो जाएगा। तो नारद जी का प्रश्न था कि भाई विधान क्या है।